नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसी मूवी जिसका नाम मेलिसा पी है। यह मूवी 2005 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में हम देखेंगे कैसे एक लड़की 5 लड़कों के साथ टकाटक करती है और वह अपनी प्यास बुझाने के लिए इस मूवी में क्या क्या करेगी, हम आगे देखेंगे। पर इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि इस तरीके की मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको मिलती रहे। मूवी शुरू होती है और हम 15 साल की मेलिसा को देखते हैं, जो अपनी मॉम और ग्रैंड मदर के साथ रहती है। मेलिसा की अपनी माँ से बिल्कुल नहीं बनती थी, इसलिए वह अपने ग्रैंड मदर से ज़्यादा क्लोज थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं मेलिसा अपने फ्रेंड के साथ डैनियल के घर जाती है। डैनियल मेलिसा का क्लासमेट होता है और उसके घर पर आज पार्टी थी। मेलिसा डैनियल को बचपन से पसंद करती थी, पर डैनियल ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। फिर जब मेलिसा स्विमिंग पूल के पास बैठी होती है तो डैनियल आकर उसे पानी में गिरा देता है। असल में मेलिसा को स्विमिंग करने नहीं आता है, इसलिए वह इसे पकड़कर किनारे ले आता है। इसके बाद डैनियल उसे अपना गार्डन दिखाता है। फिर डैनियल मेलिसा से बोलता है, मैं तुम्हें स्विमिंग करना सिखाऊंगा, पर इसके लिए तुम्हें यहाँ रोज अकेले आना होगा। अब यह सुन मेलिसा डैनियल को हाँ बोल देती है। अब दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अब मेलिसा डैनियल को बताती है कि उसने आज तक किसी लड़के के साथ टपाटप नहीं किया है। मेलिसा की बातों से डैनियल समझ जाता है कि मेलिसा उसे पसंद करती है और वह उसका फायदा उठाता है और मेलिसा को अपना प्राइवेट पाथ चूसने को बोलता है। मेलिसा भी उसे मना नहीं करती है, क्योंकि वह उसे पसंद करती थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं मेलिसा का स्कूल का पहला दिन है, क्योंकि उसकी छुट्टियां खत्म हो चुकी है और वह डैनियल का वेट करती है, पर वह नहीं आता है। असल में उस दिन के बाद से डैनियल मेलिसा से कभी नहीं मिला था। अब कुछ दिन बाद मेलिसा की दोस्त उसे बताती है कि डैनियल एक क्लब में है, तो वो दोनों उससे मिलने क्लब में जाते हैं। डैनियल मेलिसा को देखकर उसके पास आता है और कहता है, तुम बड़ी हो गई हो। इसके बाद वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है और बोलता है, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। अब ये दोनों डैनियल के घर चले जाते हैं। वहाँ डैनियल मेलिसा से पूछता है, क्या वो उसके साथ टकाटक कर सकता है, तो मेलिसा उसे हाँ बोलती है। फिर वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं और इसके बाद मेलिसा उससे बोलती है कि वो उससे प्यार करती है। डैनियल बोलता है कि तुम पागल हो क्या, और वहाँ से चला जाता है। अब इस घटना के बाद मेलिसा बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। अब वो डिसाइड करती है कि वो भी लोगों के साथ ऐसा ही करेगी और किसी की भी फीलिंग के बारे में नहीं सोचेगी। अब अगले दिन मेलिसा स्कूल जाती है तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है और सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पर वहाँ मार्को नाम का लड़का होता है, जो उसकी फीलिंग समझ रहा होता है। अब स्कूल के बाद मेलिसा एक कैफे में जाती है, जहाँ एक आदमी मेलिसा को देख रहा होता है। तब मेलिसा अपने फ्रेंड से कहती है, तुम देखो मैं उसे कैसे अट्रैक्ट करती हूँ। जैसे ही वह आदमी मेलिसा के पास आकर बैठता है, मेलिसा वहाँ से उठकर चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मेलिसा को डैनियल का कॉल आता है। वह कहता है वह उसे बहुत मिस कर रहा है। अब मेलिसा सब कुछ भूलकर डैनियल के पास चली जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि डैनियल अभी भी उससे प्यार करता है। फिर वहाँ वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर डैनियल मेलिसा को आंखें बंद करने को कहता है। फिर मेलिसा अपनी आंख बंद करती है, तभी डैनियल वहाँ पर अपने दोस्त को बुलाता है और उसका दोस्त वहाँ आकर मेलिसा को किस करने लगता है। अब मेलिसा गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है, पर कुछ देर बाद मेलिसा का मन बदल जाता है और वह डैनियल के दोस्त को किस करना शुरू कर देती है। फिर वो तीनों मिलकर एक साथ मजे लेते हैं। फिर अगले दिन वो सारी बात अपने दोस्त को बताती है। वह उस पर गुस्सा करती है और समझाती है कि तुम्हें इन सब से दूर रहना चाहिए। पर अब मेलिसा को यह सब अच्छा लगने लगा था, इसलिए वह एक एडल्ट साइट पर जाकर अपना अकाउंट खोल लेती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं मेलिसा एक म्यूजियम में अकेले बैठी है, तभी एक आदमी आकर उसके बगल में बैठ जाता है और उससे टकाटक करने को पूछता है। अब मेलिसा मान जाती है और वो दोनों वहीं पर टकाटक करने लगते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं मेलिसा घर आती है तो देखती है उसके ग्रैंड मदर को एक बॉयफ्रेंड मिल गया है। वह बहुत खुश होती है और उसे फील होता है कि उसका भी एक बॉयफ्रेंड होता तो अच्छा होता।
अब हम मार्को को देखते हैं जो कि मेलिसा को देख रहा होता है। दरअसल मार्को मेलिसा को पसंद करता था और मेलिसा ने उसे आज तक भाव नहीं दिया। मार्को मेलिसा से बात करने के लिए जाता है पर मेलिसा को डेनियल के फ्रेंड का कॉल आता है और वो उससे मिलने चली जाती है। अब वो डेनियल के फ्रेंड से मिलती है तो वो उसे एक बंकर में ले जाता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और बंकर के अंदर बहुत से लड़के भूखे भेड़िए की तरह इसका इंतजार कर रहे थे। अब वो सब बारी बारी से उसके साथ मजे लेने लगते हैं और मेलिसा भी उन्हें मना नहीं करती है। अब दूसरे दिन मेलिसा स्कूल जाती है तो सभी उसे ही देख रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मेलिसा की माम मेलिसा की डायरी पढ़ लेती है। असल में मेलिसा जो भी करती थी उसे अपने डायरी में लिखा करती थी। अब मॉम मेलिसा से डायरी के बारे में पूछती है तो मेलिसा कहती है ये सब सच है। तब उसकी मॉम को बड़ा पछतावा होता है और उसे लगता है कि वो मेलिसा पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई। इसके लिए उसकी मॉम मेलिसा से माफ़ी भी मांगती है। अब मेलिसा को भी गिल्टी फील होता है और तब से वह अपनी सारी गंदी हरकतें बंद कर देती है। फिर कुछ दिन बाद वो वापस स्कूल जाती है तो देखती है डेनियल अपने दोस्त से लड़ रहा है क्योंकि उसी की वजह से मेलिसा ने एक साथ 5 लड़कों के साथ टकाटक किया था। तभी डेनियल मेलिसा से बात करना चाहता है और वह उसे एक थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं मेलिसा की लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई है और वह अपने मॉम के साथ बहुत खुश है और यहीं पर मूवी द एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।